हेलो दोस्तों, मैं अभी जो वीडियो बनाया था ऑनलाइन में जॉब कैसे पाए, तो उसका ये दूसरा पार्ट है। तो इसके दूसरे पार्ट में आज हम जिस टॉप में डिस्कस करेंगे उसका मतलब ये है कि हाँ, कैसे जॉब सर्च करें। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कुछ क्या करना है, लिंक्डइन को पहले चलाना आना चाहिए। लिंक्डइन होता क्या है, तो लिंक्डइन में सबसे पहले आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि आपको अभी जॉब नहीं मिल रही है, यदि आपको टारगेट है, तो सबसे पहले आपको तीन चार मेथड हैं। सबसे पहले आप ये कीजिए कि एक टॉप जो कंपनियां उसका एक हिसाब से लिस्ट बनाइए। टॉप कंपनियां मतलब कि जो ग्रोथ करने हैं इंडिया की, मान लो टॉप कंपनियां हैं, जो टॉप कंपनियां सन फार्मा, सिप्ला है, और ऐसे ही अपनी जो, मैं फार्मा से रिलेटेड बता देता हूँ कि जितनी भी दवाई कंपनियाँ सन फार्मा, सिप्ला, अरविंदो, डॉक्टर रेड्डी, जायडस, टोरेंट, एलकेम, ऐसी जो कंपनियाँ हैं, इंडास, ये सारी कंपनियों का एक आपको डिटेल तो मालूम ही हो गया कि हाँ इतनी टॉप कंपनी है। प्लस कुछ कंपनी ऐसी है जो वर्ल्ड में भी है, वर्ल्ड लेवल पे भी टॉप की कंपनी है, मैक हुआ, एबीबी, लिली, उसके बाद जॉनसन जॉनसन, फाइजर, ऐसे बायर्स, ऐसे जो कंपनी है इंटरनेशनल लेवल में, तो उसका एक रिसर्च तो आपको मालूम ही होगा कि आपके सेक्टर से कौन सी टॉप की कंपनी है। उसका एक डाटा कलेक्ट कीजिए कि ग्रोइंग कंपनी कौन सी है, ग्रोइंग मतलब कि उसमें से किसका ग्रो किया। तो उस बाकायदा इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे प्रीवियस ईयर का टॉप ग्रोइंग कंपनी और करंट ईयर का टॉप ग्रोइंग, तो उससे आपको, और उससे प्रीवियस ईयर का, तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ कंपनियां जो है लगभग हर साल ग्रो कर रही हैं। ग्रो कर रही हैं मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि काम रुके ना, तो एक हिसाब से उन कंपनियों को टारगेट कीजिए। प्लस कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो विदेशी की कंपनियां जो भारत में अपना इन्वेस्ट करने वाली हैं, या फिर कुछ कंपनियां नया स्टार्टअप लाने वाली है, नया प्रोडक्ट लाने वाली है, या फिर नया प्रोजेक्ट प्लान चलने वाला है। तो जहां नया प्लांट या फिर नई कंपनी खुलने वाली है, जो कि जो ज़्यादा डेवलप होगी वही अपने प्लांट को बढ़ाएगी, तो बढ़ाएगी तो खासकर है कि मैन पावर लगेगा। तो ऐसे ही उन कंपनियों को सर्च कीजिए। प्लस ये होगा, आप दो लोगों को रेफरेंस रखो। दो लोग मतलब कि कहने का मतलब ये, जैसे आपने टारगेट सेलेक्ट कर लिया कि मैंने, मान लो मैंने टारगेट सेलेक्ट किया फाइजर, फाइजर कंपनी का टारगेट सेलेक्ट किया, और मैं करंट में काम कर रहा हूँ, एबॉट में काम कर रहा हूँ मैं, तो एबॉट से फाइजर में जाने के लिए कि एक रेफरेंस होगा। रेफरेंस मतलब कि आप एक, जब आप जाएंगे सर्च बार में लिंक्डइन के, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अबॉट से फाइजर में कितने लोग जा चुके हैं, तो उनका एक बकायदा लिस्ट होगा। लिस्ट में जाकर के जब आप बता पाएंगे, तो लगभग आपके बहुत सारे लिस्ट तैयार हो चुकी होगी। तो उसमें से आपको क्या करना है, आपको उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। कनेक्शन रिक्वेस्ट के साथ एक शॉर्ट मैसेज भी भेजना है कि हाँ मैं काम करता हूँ और मैं बस आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ। बस ये डायरेक्ट कनेक्शन रिक्वेस्ट मत भेजिए किसी को, डायरेक्ट उनके साथ एक काम कीजिए, शॉर्ट मैसेज भेजिए कि हाय मैं, जो कुछ है अपनी भाषा में लिख लीजिए, आपकी भाषा अच्छी को भेजिए। उसके बाद क्या कर लिया, उनका रिक्वेस्ट तैयार हो गया। प्लस ये है कि कंपनी की जो वैकेंसी निकलती रहती है, वैकेंसी निकलती रहती है, उस कंपनी को पोस्ट कौन डाल रहा है, उनके हायरिंग मैनेजर को आप एज ए रिक्वेस्ट भेजिए। कम से कम आप ऐसा कीजिए कि 10 कंपनियों से लेकर के लगभग 100 कनेक्शन तो आप बना के रखिए, ठीक है, 100 कनेक्शन बना के रख दीजिए। बनाने के बाद क्या करना है, अपनी जो प्रोफाइल है, जो आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल है, उसको बढ़िया से कस्टमाइज कीजिए। फोटो जो है, यदि फार्मा में है तो फार्मा में है तो फार्मा के अकॉर्डिंग लगाइए। पीछे जो उसका थंबनेल होता है, या फिर उसका बैक ग्राउंड की जो फोटो होती है, उसको बढ़िया से कीजिए। प्लस अपने अबाउट, अपने बारे में, अबाउट का जो है, अभी मैं सीवी वाले पार्ट में, तीसरे वाले पार्ट में जाऊंगा, तो अबाउट वाले सेक्शन में जो आपका समरी है उसको डाल दीजिए। और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस डाल दीजिए, एक्सपीरियंस जिस कंपनी में काम किया, फिर उस कंपनी में आपने क्या काम किया, कौन सी स्किल पे काम किया, उस स्किल से रिलेटेड आप डालते जाइए।
तो लगभग लिंक्डइन का यह है कि लगभग यह है कि 100 से ज़्यादा स्किल आप डाल सकते हो। तो एक हिसाब से आप हर जिस कंपनी में काम किए उस कंपनी में कौन कौन से स्किल आपने डेवलप किया, गेन किया, उसके बाद हर ऐसे जितना आपका एक्सपीरियंस है, उसके बाद ये सारा चीज़ जब आप बढ़िया से आप बकायदा आप रेगुलर पोस्ट डालते रहिए। रेगुलर पोस्ट मतलब ये नहीं कि हाँ कुत्ता बिल्ली की फोटो डाल देना, ऐसा नहीं है। आपको आपके जो फील्ड से रिलेटेड नई चीज़ हो रही है, कोई दवा सर्च हो रही है, या फिर कोई पैकेजिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है, या फिर क्वालिटी एश्योरेंस में कुछ नया चीज़ आ रहा है, नया टूल्स आ रहा है, या फिर आपने पढ़े होंगे रिसर्च पेपर, उससे कुछ ऐसा आर्टिकल है, उसको जस्ट आप रिपोस्ट भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप अपना ही बनाओ, आप कुछ ऐसी चीज़ देखिए, एक हिसाब से जो आप पोस्ट करते हैं ना, तो जो सामने वाला बंदा वो समझता है कि ये आदमी किस टाइप का है, ठीक है, उसको क्या इंटरेस्ट है। बहुत ज़्यादा सा आपका एक कॉमन ग्रुप हो सकता है कापा डिविजन से रिलेटेड, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, ऑटोमाइजेशन से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे पोस्ट करते रहिए, पोस्ट करते रहिए, तो इससे होगा आप लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाएंगे। ठीक, एक्टिव होने के बाद आपने लगभग 100 लोगों से कनेक्शन रिक्वेस्ट बना ली, तो बना लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, आगे क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे उसको हम अब बताते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।